हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन केम टीवी। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें खत्म कर दी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया। मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर बताया था कि आखिर के जो दो फैक्टर है जहाँ पे हमें डिस्कशन करनी है, एक प्रकार की एनर्जी के बारे में, एक प्रकार की ऐसी एनर्जी जिसको आप एक्टिवेशन एनर्जी नाम दोगे इस लेक्चर के अंदर, और दूसरी हम बात करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसका पूरा यूज करना है। तो बच्चों, अगर आपने आगे का लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है? उसके बाद ये लेक्चर चालू कीजिएगा। चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक। टाइटल लगाइए, एक्टिवेशन एनर्जी। जिसको आप इंडिकेट करोगे EA से, खास ध्यान रखना बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को आप इंडिकेट करोगे EA से। ओके, देखिए वहां पे हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में इतना जाना था कि कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की ओर जाने के लिए, समझना बच्चों, क्या कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की ओर जाने के लिए कुछ ऐसे मिनिमम एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है जिससे वो प्रोडक्ट की साइड कन्वर्ट हो सके। क्लियर ना? वो एनर्जी, उसको हमने क्या नाम दिया था? एक्टिवेशन एनर्जी। याद करो, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि मुझे एक रिएक्टेंट ए से मुझे बी की ओर जाना है। क्लियर? तो उसके बीच में एक एनर्जी का बैरियर होगा। ए से मैं सीधा बी की ओर नहीं जा पाऊंगा, मुझे कुछ एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। वो एनर्जी जैसे ही क्रॉस होगी, जैसे जब तक मैं यहां तक रहूंगा, ये एनर्जी पे रहूंगा, तब तक ये जो डॉट डैश आपको जो डैश लाइन दिख रही है, जो भी, क्लियर, डॉट लाइन सॉरी, वो वहां पे बी तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। पर जैसे ही मेरा ये रिएक्टेंट ये बैरियर को क्रॉस कर देगा, वैसे ही वो प्रोडक्ट बनने की शुरुआत कर देगा। मतलब कि अब यहां से वो क्या बन जाएगा? फिर वो प्रोडक्ट की ओर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो था, ये जो बैरियर था, क्लियर ना, उसको हमने क्या नाम दिया था? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर ना? माफ कीजिए, मिनिमम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कह सकते हो आप इसको, मैं उसको कह देता हूं मिनिमम, या तो आप उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो। क्लियर? थ्रेशोल्ड एनर्जी या तो मिनिमम एनर्जी, ऐसी उतनी कम से कम उतनी एनर्जी ये रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट की साइड कन्वर्ट हो सके। क्लियर? क्या एक्टिवेशन एनर्जी इसकी, यहां देखो ये जो है वो बैरियर है, फिक्स बैरियर। क्लियर? इस बैरियर को क्रॉस करके अगर इस तरफ जाना चाहता है, यानी कि खुद अगर एक्टिव होना चाहता है, उसके पास उतनी तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर? इससे वो एक्टिवेट हो सके। एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बच्चों, कि जैसे कि भाई हाइड्रोजन और डाइक्लोरीन जब प्रोसेस करके HCl बनाते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है H बॉन्ड H, वो जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ प्रोसेस करता है, तब ये जो पार्शियली ये जो जुड़ा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड है उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा। माफ कीजिए, पार्शियली नहीं, ये जो प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ देगा, और इनके बीच में एक प्रकार का पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर? यानी कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तब ये, उसको भी मैं डैश की साइन से दिखाऊंगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब भी डैश की साइन से दिखाऊंगा। मतलब क्या होगा? H और H भी टूट रहा है और वो ही HCl के साथ जुड़ भी रहा है। सेम यहाँ पे ClCl भी टूट रहा है और वो Cl H के साथ जुड़ भी रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये एक क्या हुआ? एक्टिवेट कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? एक एक्टिवेटेड कंपाउंड कह सकते हो आप इसको। एक क्या हो गया? एक्टिवेट कंपाउंड हो गया, जो आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी पे आप कंपाउंड को प्रॉपरली एक्टिवेट कर देते हो कि अब वो प्रोडक्ट की साइड जाने के लिए रेडी है। बराबर? मतलब क्या हुआ, ये एक प्रॉपर बैरियर जहां पे हमें क्या मिलता है? एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। रेडी? ध्यान रखना बच्चों खास। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये जो बॉन्ड है वो प्रॉपरली, ये जो यहाँ पे मैं जो बॉन्ड दिखा रहा हूं वो प्रॉपरली क्या हो जाते हैं? एच और एच बॉन्ड टूट के ये प्रॉपरली टूट जाते हैं और ये H और H बॉन्ड प्रॉपरली जुड़ जाते हैं। मतलब कि HCl HCl दो मॉलिक्यूल उसके हमें मिल जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखना बच्चों, आज के लेक्चर में हमें इसी एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ना है। बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ग्राफिकली पढ़ना है हमें। हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए।
ठीक है। सबसे पहले आप उसको डिवाइड कर दीजिए, दो चीज में आप उसको डिवाइड करोगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर, दोनों के लिए हम इसकी डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इरिवर्सिबल के लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको रिवर्सिबल समझ में आ जाएगा। तो टाइटल लगाइए फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है पहले, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कि जो रिएक्शन सीधे क्या होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि ए टू बी, ओनली ए टू बी, सिर्फ मतलब प्रोडक्ट टू, माफी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट हमें मिलेगा नहीं, पहले हम उसकी बात करते हैं। रेडी, ध्यान रखना बच्चों का। अब देखिए, मैंने आपको एक्टिव एनर्जी के लिए एक चीज बताई कि मुझे एक मिनिमम बैरियर चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे मेरा कंपाउंड एक्टिवेट हो जाएगा, बराबर। तो मैं अगर ग्राफ लेता हूं, ग्राफिकली समझाता हूं आपको, जरा मजा आएगा। मैं अगर क्या करता हूं, ग्राफ लेता हूं, चलिए वो ग्राफ किसके वर्सेस किसका लिया है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। एक तरफ मैं एनर्जी लेता हूं कि जो मुझे सप्लाई करनी है, क्लियर, और एक तरफ मेरा प्रोग्रेस लेता हूं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्लियर ना। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि मुझे दाल फ्राई बनानी हो तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट में उसके अंदर मिक्स करके रख दूंगा, और रखने के बाद मैंने रख दिया, बराबर, रखने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको कुछ हीट तो दूंगा ना, कुछ एनर्जी तो सप्लाई करूंगा ना, नो डाउट। जब वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं तब भी उनके पास कुछ एनर्जी तो होंगी, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए वो एनर्जी सफिशिएंट होगी नहीं। मतलब क्या हुआ, ये जो रिएक्शन पड़े आप उसके अंदर से एक चीज सीखे क्या, कि सबसे पहले तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, यानी बॉन्ड टूटने के बाद जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यहाँ पे देखिए बॉन्ड टूट गए, उसके बाद जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बराबर, तो फॉर्मेशन होते वक्त तो एनर्जी को रिलीज करेंगे, सीधी सी बात है, आप वो चीज तो पढ़ के आए हो कि जब यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि जब मेरी प्रोडक्ट बनेगी तो वो प्रोडक्ट होगी, वो क्या करेगा, एनर्जी को निकालेगा। अगर वो एनर्जी को निकालेगा, बच्चों समझना अच्छी तरीके से, अगर वो एनर्जी को यहाँ पे निकालेगा तो वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है पहले की कंपैरिजन में, और उसके डिपेंड्स पे हमने उस रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन से, इरिवर्सिबल के अंदर, वैसे इरिवर्सिबल में भी आएगा, कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, एक एंडो जिसमें हमें क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें जिसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और एक एक्सो, क्लियर ना, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोपोरा लिख देता हूं, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये दो रिएक्शन के लिए मुझे चीजें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि होगा क्या, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ, जैसे हम दाल फ्राई का एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके फिलहाल रखे हुए हैं, तो उनके पास कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी उसकी शुरुआत की रिएक्टेंट के अंदर, हम गिन देख, वो सारे के सारे रिएक्टेंट है, उनके पास कुछ एनर्जी है, लेकिन जब मैं उसको उबालना चालू करूंगा तब धीरे 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 वो एक थ्रेशोल्ड कंडीशन पे आएगा, मतलब कि एक मैक्सिमम कंडीशन पे आएगा जब वो प्रोडक्ट बनाना चालू करेगा। बट जैसे ही दाल फ्राई बन जाएगी तो ऐसी की ऐसी थोड़ी हम खा लेते हैं, पर क्या करते हैं, क्योंकि उस वक्त देखिए एक्टिवेट कंपाउंड हो गया, मतलब दाल फ्राई बन गई, बट जैसे ही वो प्रोडक्ट बनेगी, मतलब जब हमें सर्व किया जाएगा तब वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा ना, थोड़ी सी वो क्या करेगी, हीट कम कर देगा, खाने के लायक तो होनी चाहिए, बराबर, मतलब वो थोड़ी सी एनर्जी क्या करेगा, कम कर देगा। ये एग्जांपल याद रखना, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, वो क्या करेगा, पूरा अपना एनर्जी धीरे 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 कम कर देगा। पर इस रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कि आप थोड़े समय बाद अगर रखते हो तो हमने जो उसको एनर्जी दी थी स्टोव के थ्रू, हमने जो उसको गर्म करके जो भी बनाया था, वो कुछ ही एनर्जी गवाएगा, थोड़ी सी एनर्जी गवाएगा, बराबर। यानी कि जैसे कि मैंने शुरुआत के अंदर उसको 100 जूल एनर्जी दी थी स्टोव की मदद से, 100 किलो जूल जितनी मैंने उसको हीट दे दी, पर उसने बनने के बाद सिर्फ 10 किलो जूल जितनी एनर्जी, इतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन सपोज 10 जूल रखते चलो, 10 जूल जितनी एनर्जी क्या कर दी, निकाल दी, मतलब कि जो मैंने दिया था उसमें से उसने निकाली कितनी, 10 जूल, मतलब अभी 90 बची, वो 90 तो मुझे देनी है, 10 तो यूज हो जाएगी चलो, बट 90 मुझे देनी पड़ेगी रिएक्शन को प्रोडक्ट की ओर ले जाने के लिए, यानी वो गिना जाएगा एंडोथर्मिक में, किसमें, एंडो, मुझे देनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होगा कि दाल फ्राई पूरी बन गई है, मैंने उसको 100 जूल जितनी एनर्जी दे दी, पर
ऐसा हुआ कि भाई किसी मम्मी को कोई काम आ गया और वो बना के ऐसे कि ऐसा पड़ा रहा और 2-3 घंटे के बाद हमारे सामने आया, मतलब वो अपनी एनर्जी पूरी गवा देगा, जो था उससे भी एनर्जी क्या कर प्रोडक्ट कम कर देगा, मतलब कि 100 जूल मैंने एनर्जी दी थी उसके लिए वो 150 जूल एनर्जी गवा देगा। क्या करेगा, 100 जूल जो मैंने दी उसके पास कुछ थी प्लस हमने 100 जूल दी, वो दोनों का टोटल करके जो भी उसके पास होगा उसमें उससे ज्यादा वो गवा देगा, मतलब कि 100 जूल जो मैंने दी थी उससे 150 तो वो गवा देगा बराबर। अब क्या होगा, 50 जूल तो एक्स्ट्रा हो गई, मतलब कि उसने हीट मतलब एनर्जी क्या रिलीज की, वो केस हम गिनेंगे एक्सोथर्मिक के अंदर। समझ में आई बात बच्चों, ये एग्जांपल याद रखना आपको सबको समझ में आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो भी दो तरीके से कर सकते हैं भाई, एक एंडोथर्मिक के लिए कर सकते हैं और एक एक्सोथर्मिक के लिए कर सकते हैं। रेडी, मैं सबसे पहले एंडोथर्मिक की बात करता हूँ, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ फॉर यहाँ लिख देता हूँ, चलो फॉर एंडोथर्मिक, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैं आपको एक सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में बताता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्लियर ना, और डेल्टा एच मतलब आप क्या लिख सकते हो, ईपी माइनस ईआर, आप यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हो एचपी माइनस एचआर, मींस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट उसकी जो हेड होती है वो बराबर, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। वो कब होगी, एंडो होगी तभी ना जब मैंने 100 दिया है और 10 उसमें से निकल जाएगा, तब जैसे मैंने 100 दिया और 150 निकल जाएगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब कि एंडोथर्मिक के लिए, ये बात एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक के लिए मैं ये लिख पाऊंगा, बट जैसे ही मैं एक्सोथर्मिक की बात करूंगा, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पहले लेक्चर में ये चीज सीखा था कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहती है एंडोथर्मिक के लिए, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रहती है एक्सोथर्मिक के लिए। क्लियर, तो एक्सोथर्मिक के लिए जब मैं लिखूंगा तब डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, ईपी माइनस ईआर नेगेटिव आएगा बराबर, और वो नेगेटिव कब आएगा, जब जो मैंने रिएक्टेंट की जो भी मैंने एनर्जी दी है उससे मेरी प्रोडक्ट एनर्जी बढ़ जाए, मतलब इन शॉर्ट मेरी जो सामने जो रिलीज कर रही एनर्जी है वो बढ़ जाएगी तब। ठीक है ना, सो पहले हम सिर्फ एंडोथर्मिक की बात करते हैं, एंडोथर्मिक आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप एक्सोथर्मिक अपने आप सीख पाओगे बराबर। चलिए, तो मैंने एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ लिया है, क्यों लिया है वो समझ में आ गया, क्योंकि मुझे रिएक्शन का प्रोग्रेस भी देखना है और मुझे एनर्जी भी साथ में देनी है। अब वो दाल फ्राई का ही एग्जांपल आप लोग दिमाग में रखो कि उनके पास शुरुआत में कुछ एनर्जी होगी, सपोज उसके पास कुछ एनर्जी है, यहां तक उसके पास कुछ एनर्जी है, रेडी, तो इतनी एनर्जी उसके पास है पहले से मौजूद है, तो ये एनर्जी को सपोज मैं नाम दे देता हूं भाई रिएक्टेंट की एनर्जी, यानी कि ईआर। समझना बच्चों, जो भी नाम दे रहा हूं वो भी आप लोग खास ध्यान रखिएगा और मेंशन भी करते जाइएगा अगर आप साथ में लिख रहे हो तो। क्या एनर्जी जो है, इतनी एनर्जी मेरे रिएक्टेंट के पास थी। अब सोचो कि मुझे जो भी मेरा कंपाउंड दाल फ्राई बनाना है उसके लिए मुझे कुछ मिनिमम बैरियर तो चाहिए होगा ना, मिनिमम एनर्जी तो चाहिए होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्टिवेशन होने के लिए मेरे पास मिनिमम यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होनी चाहिए। तो सपोज दैट वो एनर्जी मेरे पास इतनी है, इतनी मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड मतलब इतना ये बैरियर है, समझो कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक बैरियर है, ये बैरियर भाई क्रॉस करेंगे तभी जाके कुछ प्रोडक्ट की साइड जा पाएंगे। क्लियर ना, ये बैरियर अगर ये क्रॉस करेंगे तो ही वो प्रोडक्ट के साइड जा पाएंगे। ओके, तो ये धीरे 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 क्या करेगा, अपना जो एनर्जी है धीरे 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 धीरे, मुझे माफ कीजिए, मुझे एनर्जी उसको धीरे धीरे देनी पड़ेगी, स्टोव में मैं उसको गर्म करना चालू करूंगा, तो जैसे ही गर्म करना चालू करूंगा वो धीरे 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 एक एक्टिवेशन कंपाउंड की ओर आ जाएगा, मतलब कि यहां पे पहुंच गया। अब वो क्या करेगा, प्रोडक्ट हमारा दाल फ्राई रेडी हो गई, लेकिन अब वो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। अब मैंने उसको दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया कि भाई हीट रिलीज करेगा, वो हीट क्या एज कंपेयर टू उसके पास जो रिएक्टेंट के पास जो थी उसकी कंपेरिजन, यानी कि जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 100 जूल दी थी तो वो कितनी 10 जूल ही रिलीज कर रहा है, मतलब कि वो प्रोडक्ट बना देगा, जैसे कि इतनी एनर्जी रिलीज करके उसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया। जैसे यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बन गया, यहाँ मेरा रिएक्टेंट था, कैपिटल लिखता हूँ, चलो यहाँ मेरा रिएक्टेंट था और यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट बन गई। कुछ केस में ऐसा होगा कि जिस उसके पास जो एनर्जी थी उसकी कंपेरिजन में और ग्राफ चल रहे, मतलब कि उससे भी ज्यादा वो गवा देगा, लेकिन वो फिर एक्सोथर्मिक में गिना जाएगा। थोड़ा कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ रहा होगा कि मैंने देखो जैसे यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट मिक्स थे वो मैंने फिर उसको उबालना चालू किया, हीट दे कुछ ऐसे फिक्स्ड बैरियर पे आया, यानी एक्टिवेशन एक्टिवेटेड कंपाउंड मैंने बना दिया। क्या बना दिया, एक एक्टिवेटेड कंपाउंड, एक फिक्स्ड कंपाउंड बन गया, दाल फ्राई रेडी हो गए बट खाने के लायक नहीं है अभी, तो वो क्या करेगा, अपनी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगा, वो खाने के लायक होगी, मतलब कि मेरी प्रोडक्ट बन गई। समझ में है ना बात, ओके। तो ये जो प्रोडक्ट बनी उसको हम क्या करें, सपोज भाई ये भाई क्या है, ईपी एनर्जी,
प्रोडक्ट के लिए जो हम लिखते हो, जैसे मैंने इसको रिएक्टेंट की एनर्जी दी थी वैसे ही प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब सोचिए बच्चों कि यहां पे ये तो क्या था, ये चीज एक्टिवेशन एनर्जी में गिनी जाएगी। देखो ये तो थ्रेशोल्ड है लेकिन ये एक्टिवेशन हो जाएगी, क्यों? क्योंकि मेरे इंग्रेडिएंट इतने थे, पड़े थे, उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, दाल फ्राई के लिए जो भी जरूरी था वो सब कुछ मिक्स होकर पड़ा था, बट मैंने उसको एक्टिवेट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी मुझे भाई, बैरियर इतना बड़ा था, ये थ्रेशोल्ड है, ये इतनी तो मुझे रिक्वायर्ड है, उसमें से मेरे पास इतनी तो पहले से मौजूद थी, और मुझे उस कंपाउंड को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ा, इतनी एनर्जी देनी पड़ी, मतलब ये क्या गिना जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कि ये क्या है, ई ए, समझ में आई बात, आई ना बात, क्या ये एनर्जी क्या गिनी जाएगी, ई ए, ओके, सो समझो क्या कि रिएक्शन जिस ओर प्रोग्रेस हो रहा है मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, मेरा रिएक्शन भी प्रोग्रेस होता जाएगा, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा बैरियर पॉइंट आएगा जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, क्लियर, वो बैरियर पॉइंट पे मेरी प्रोडक्ट बन जाएगी, पर प्रॉपर प्रोडक्ट जो मुझे प्रोडक्ट मतलब माफ कीजिए एक्टिवेटेड कंपाउंड बन जाएगा, पर प्रोडक्ट बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, डायरेक्ट तो हम उसको खाने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो क्या करें, कोई भी कंपाउंड के अंदर ये चीज होती है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, सो वो क्या करेगा, अपना हीट जो है वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, थोड़ी सी उसने हीट रिलीज की, मतलब कि ईआर जो उसके पास था, फिर मैंने उसको ईए दिया, मतलब कि उसको एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद उसने अपनी कुछ क्या कर दी, एनर्जी रिलीज कर दी, कुछ एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी, बराबर, इतनी एनर्जी उसने, ये एनर्जी उसने क्या कर दी, रिलीज कर दी, और मेरी प्रोडक्ट बन गई, समझ में आई बात, तो एक ये केस है जिसके अंदर हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करता हूं तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट ये बनता है, यहां मुझे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी देनी पड़ती है, समझना, और उसके लिए देखो ये आपको दिख ही रहा है ना, ईपी माइनस ईआर है तो ये पॉजिटिव ही होगा, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि मैंने 10 जूल, माफ कीजिए 100 जूल एनर्जी में से मैंने 100 जूल दी, उसने कितनी गवाई, उसने भाई 10 ही जूल गवाई, समझना, मैंने 100 जूल एनर्जी दी थी, उसने 10 ही जूल गवाई, मतलब कि 90% तो फिर 90 जूल तो मुझे अभी भी देना ही पड़ेगा ना, चलो 10 जूल तो उसने गवा दी, मतलब कि 10 की उसको जरूरत नहीं थी प्रोडक्ट होने के लिए, क्योंकि उसने तो वैसे भी गवा दी है, लेकिन फिर भी मुझे यहां से यहां तक एक्टिवेट हुआ कंपाउंड, यहां से यहां तक क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, और इतना वो रिलीज हो गया, मतलब कि मैंने ये जो 100 जूल एनर्जी दी, यानी कि एक्टिवेट होने के लिए ये जो एनर्जी दी, ये जो 100 जूल एनर्जी दी मैंने, उसमें से मैं ये 10 जूल निकाल दूं, तो ये जो बाकी बची वो 90 जूल मिलेगी मुझे, तो वो ही मेरा क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी मेरे पास, उतने मैंने ये निकाल दी, एक्टिवेशन में से ये निकाल दी, तो मेरे मुझे कितनी रिक्वायर्ड होगी हीट वो पता चल जाएगा, समझ में आई बात, सो ये कंसेप्ट किसका है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम इस तरीके से ग्राफ को इलेबोरेट करते हैं, समझते हैं, ओके, फिर से एक बार क्या किया मैंने, ये जो है एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ ले लिया, मेरे पास कुछ रिएक्शन की एनर्जी थी, मैंने एक्टिवेट करना चालू किया कंपाउंड को, 100 जूल एनर्जी दी, सपोज आपको 100 जूल सपोज एनर्जी दी मैंने, थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, फिर उसने कुछ हीट रिलीज की, हीट रिलीज करता ही है, एक्टिवेट होने के बाद कोई भी कंपाउंड रिलीज करेगा, क्लियर, लेकिन कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है, बराबर, वो ज्यादा करता है कम करता है उसी के डिपेंड्स पे उसको क्या हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा, वो टुकड़ा कम है, मतलब कि जो 100 दिया था उसमें 10 ही गया है, मतलब कि 90 तो अभी मुझे देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड है, मतलब वो एंडो का आ जाएगा, सेम थिंग मैं एक और ग्राफ लेता हूं, जैसे ही मैं एनर्जी वर्सेस, समझना अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, एनर्जी वर्सेस मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्या एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का अगर ग्राफ लेता हूं, क्या एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के अंदर वापिस से वही चीज समझो, यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्टिवेटेड कंपाउंड है, यहाँ पे उसकी एनर्जी ईआर है, दाल फ्राई वापिस बनानी है, बराबर, और जैसे ही आप यहां से उसको माफ कीजिए उसका कुछ एक्टिवेशन एनर्जी का थ्रेशोल्ड सॉरी बैरियर है, कुछ एनर्जी उसको क्रॉस करनी पड़ेगी, जैसे ही वो यहां से बढ़ना चालू करेगा, इतनी एनर्जी उसके पास थी एक्टिवेट होने के लिए, मैंने उसको कुछ एनर्जी दी, जैसे कि मैंने 100 जूल एनर्जी दी, लेकिन उस भाई ने तो 100 से ज्यादा तो गवा दी, मतलब कि यहां जाके प्रोडक्ट बनी, 3 घंटे बाद दाल परोसी गई आपको, ऐसा हुआ ना, एकदम ठंडी हो गई, मतलब जो एनर्जी थी उससे भी क्या चला गया, मेरा बैरियर नीचे चला गया, यानी कि ये तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये जो था वो क्या था, ये मेरा एक्टिवेशन एनर्जी था, इतना था भाई, मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया, लेकिन वो भाई ने तो क्या कर दिया,
150 जूल गवा दिया, क्या कर दिया 150 जूल जितना उसने क्या कर दिया गवा दिया। मतलब कि ये ग्राफ के लिए मैं डेल एच की वैल्यू लिखना चाहूं तो वो क्या आएगा, ऑब्वियस नेगेटिव आएगा। क्यों? उसके लिए भी हम लिखते तो वही एच की माइनस एच आर ही लिखते हैं बराबर, बट उसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों आएगी भाई, जो दिया था उसमें से ये निकाल के तो देख लो -50 आंसर आएगा, डेल एच की वैल्यू माइनस रहेगी। मतलब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव रहेगा, कौन से केस के अंदर, एक्सोथर्मिक, कौन से केस के अंदर, एक्सोथर्मिक केस के अंदर क्या रहेगा हमारा जो एंथैल्पी चेंज रहेगा और नेगेटिव रहेगा, एंडोथर्मिक के केस में पॉजिटिव रहेगा। और वो तो प्रूव्ड चीज है, ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में ही, ये चीज तो हमने किस में सीख ली थी, ये चीज तो बाय इलेक्ट्रिसिटी में ही सीख ली थी, डेल एच पॉजिटिव होता है फॉर एंडोथर्मिक, डेल एच नेगेटिव होता है फॉर एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट सिर्फ हम यूज कर रहे हैं कि क्यों ऐसा, एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी मैंने उसको दी है उससे जो रिलीज हुई है एनर्जी वो कम हुई, मतलब एंडोथर्मिक, यहाँ पे ज्यादा हुई मतलब एक्सोथर्मिक। सिंपल समझ आई बात? तो ये दोनों चीजें बच्चों ध्यान रखना। अब ये जो चीज है वो तो सिर्फ किसकी बात हुई, ये वही बात हुई इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इरिवर्सिबल के लिए मतलब कि जो रिवर्स नहीं हो सकते, जो एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में ही, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वो प्रोसेस होती है। बट अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड भी होता है, आपने पढ़ा हो बहुत सारे रिएक्शन, CaO + CO2 गिव्स CaCO3, डिकम्पोज होकर वापस हमें क्या मिल जाता है CaO + CO2। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमें ग्राफ अगर प्लॉट करना हो तो कैसे करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या रहता है, ओके तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, और बच्चों इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही काम का टॉपिक है, इसके अंदर से बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट है, समझो टॉपिक से बेटर तो ये कंसेप्ट है, थियरी से बेटर, कंसेप्ट जितना समझ में आएगा आपको, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं बराबर। तो कंसेप्ट इस तरीके से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, जो चीजें मैं बोला हूँ वापस से स्प्लिट करके देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए, उसके बाद हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात करते हैं, लिख दीजिए। चलिए बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये ग्राफ यहाँ पे रखा है क्योंकि आप कंपेयर कर सको उसके साथ। देखिए ये इरिवर्सिबल के लिए था, आप बात करते हैं फॉर रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं भाई, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, रिवर्सिबल में हमें दोनों चीज देखनी होती है, दोनों केस के अंदर, एंडोथर्मिक के केस के अंदर भी हमें फॉरवर्ड और रिवर्स देखना, मतलब बैकवर्ड देखना पड़ता है, एक्सोथर्मिक के केस के अंदर भी हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों देखना पड़ता है। मतलब मैं अगर रिवर्सिबल की बात करूं तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसके लिए मुझे देखो ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ सेम ऐसा ही रहेगा, पर यहाँ पे कंसेप्ट आपको बहुत काम मिला है, बहुत काम में आएगा, जीनेट के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा काम में आएगा उसमें। क्या कि जैसे कि समझना बच्चों, जैसे कि मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, जैसे यहां पे सेम एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का अगर मैं ग्राफ लेता हूं, तो जैसे सेम यहां पे था वैसे यहां पे देखिए, जैसे मैं, मेरे पास कुछ एनर्जी थी दाल फ्राई की बनानी है, लेकिन अब दाल फ्राई से वापस इंग्रेडिएंट बनाना है, ऐसा समझो, ऐसा तो होता नहीं है बराबर, पर ऐसा समझो कि ऐसा करना है। सपोज हम जो रिएक्शन लेते हैं वही रिएक्शन की बात करते हैं, चल वो CaCO3 लाइक रिवर्सिबल CaO + CO2 ये रिएक्शन, जैसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन मेरे पास है, मेरे पास कुछ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है भाई मेरे पास, जैसे कि इतनी एनर्जी मेरे पास है वो है रिएक्टेंट की एनर्जी। अब उसको कुछ थ्रेशोल्ड बैरियर को प्रेस करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा सॉरी, जैसे कि ये यहां से इतना क्या करेगा, क्रॉस कर देगा, समझना बच्चों पास, तो इतनी मुझे उसको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये जो एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ओके। नाउ अब खास एक बात समझिए कि मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चेक करेंगे, तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको भी मैं अलग अलग दिखा देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इतनी रिएक्टेंट की एनर्जी थी, बच्चों समझना जो सब वर्ड बोल रहा हूं, ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास थी, रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ी, मतलब कि मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ, मतलब कि ये एनर्जी एक्टिवेशन ही है लेकिन फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन है, समझो बराबर। और एंडो है रिएक्शन, मतलब कि वो कुछ
टाइम के बाद जैसे कि यहाँ पे मुझे उसकी प्रोडक्ट मिल गई, यानी ये क्या हो गया मेरा ईपी हो गया। ओके, प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, प्रोडक्ट की एनर्जी हुई ना, ये रिएक्टेंट की एनर्जी। अब सीधी बात है बच्चों, हमने ये चीज यहाँ पे देखी है, यहाँ पे मैं अगर इंप्लीमेंट करता हूँ, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है। सबसे पहली बात, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव तभी हो सकती है जब एचपी ग्रेटर देन एचआर हो, मतलब कि ईपी की वैल्यू वो ईआर से ज्यादा हो, तभी हो सकता है ना। राइट, तो प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट की वैल्यू से ज्यादा होनी, एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब देखिए ईपी और ईआर, कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा सर ऐसा क्यों कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ईपी बड़ा होना, ईपी बड़ा होना, छोटा बड़ा होगा तभी ईआर छोटा, तभी ये पॉजिटिव आएगा। तो ईपी मतलब क्या, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं, उनकी खुद की एनर्जी है। देखिए रिएक्टेंट उसके पास कुछ एनर्जी थी, अब उसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट बना दी, जो एनर्जी मैंने दी उसके पास कुछ थी प्लस मैंने दी, मतलब वो थ्रेशोल्ड कंडीशन पे आ गया। अब उसके पास इतनी एनर्जी है, अब वो थोड़ी सी लूज कर देगा तो वो पूरे उस प्रोडक्ट के पास इतनी सारी तो बचेगी। ये रिएक्टेंट की है, उसके अंदर मैंने कुछ दिया, मतलब वो मैक्सिमम कंडीशन पे आई, अब उसने कुछ गवाई, मतलब इसके पास जो बची वो तो प्रोडक्ट की खुद की एनर्जी होगी ना। दाल उतनी तो गर्म होगी, ये उतनी गर्म दाल है, ये ठंडी दाल थी, मैंने उसको गर्म किया, उसने थोड़ा सा ठंडा होके खाने लायक बना दिया, सिंपल। सो हुआ क्या, ये ईपी की वैल्यू मेरे ईआर की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। देखिए ग्राफ में दिख रहा है ना, ईपी इज ग्रेटर देन ईआर। ओके, सो ये जो रिएक्शन हुआ वो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, ए से मैं बी की ओर जा रहा हूं, मतलब कि जैसे कि ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की ओर जा रहा हूं, ए से मैं बी की ओर जा रहा हूं, CaCO3 में से मेरा CaO और CO2 मिला है। बट फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे एंडोथर्मिक में ही दोनों केस करने पड़ेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों। तो जैसे ये तो फॉरवर्ड की बात हुई, लेकिन जैसे मैं बैकवर्ड की बात करूं बच्चों, मैं अब पहले ए से बी जा रहा था, अब मुझे बी से ए जाना हो, समझो पहले मैं ए टू बी जा रहा था तो मैं लिख दिया नॉर्मल जो मैं लिख सकता था, बट मैं अगर बी से ए आऊं समझो, तो मुझे ये इतनी एनर्जी मेरे पास हुई, बी से ए आऊं मतलब अब बी मेरा रिएक्टेंट है, अब बी मेरा रिएक्टेंट है और उसको प्रोडक्ट की ओर, मतलब कि ए मेरी प्रोडक्ट हो गए, मुझे इस तरफ चलना है, तो मुझे इतनी सारी एनर्जी तो भाई के पास है ही, उसको इतनी ही देनी पड़ेगी ना एक्टिवेट होने के लिए। पहले इसके पास थी इतनी थी और एक्टिवेट होने के लिए इतनी देनी पड़ी, अब इसके पास इतनी सारी है और मुझे एक्टिवेट होने के लिए इतनी ही देनी पड़ेगी, मतलब यहां पे भी एक्टिवेशन एनर्जी तो आएगा ही, बट वो होगा किसके लिए, वो होगा भाई बैकवर्ड के लिए। किसके लिए, बैकवर्ड के लिए। अलग अलग दिखा देता हूं मैं, ये फॉर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बच्चों यहां पे एक चीज देखो, ये ईपी बड़ा है एज कंपेयर टू ईआर, सेम थिंग उल्टा है, ईएएफ बड़ा है एज कंपेयर टू ईएबी, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। यहां पे वो चीज बहुत पूछी जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ईएबी। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बैकवर्ड की कंपैरिजन में ज्यादा होगी एंडोथर्मिक में, बराबर। यानी कि अगर आपको डेल एच पूछा गया इन द टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या लिखोगे, डेल एच की वैल्यू, डेल एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। बच्चे यहां पे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत ऐसा करना है आप लोग बच्चे, ऐसा ईबी माइनस ईआर है तो ईएबी माइनस ईएफ कर देंगे, नहीं। अगर प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज्यादा है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए तो कम ही देनी पड़ेगी ना, इसके पास ज्यादा है लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब यहां पे बनेगा ईएएफ जो ज्यादा है। हमें पॉजिटिव आंसर लाना है कि नहीं लाना, पॉजिटिव लाना है, मतलब पॉजिटिव कब बन पाएगा, जब ईएएफ में से ईएबी निकालेंगे, जब बड़े में से छोटा निकालेंगे। समझ में आया ना कंसेप्ट क्या है, क्या जब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जा रहा था तब HP माइनस HR यानी कि EP माइनस ER था, यानी कि EP बड़ा था, खुद की रिएक्टेंट की खुद की जो एनर्जी वो कम थी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, बट अगर इसकी एनर्जी कम थी तो उसको ज्यादा देनी पड़ेगी ना एक्टिवेट होने के लिए, अब उसके पास ही इतनी एनर्जी है तो उसको एक्टिवेट होने के लिए कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उल्टा चलेगा। बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको लेकर भी बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ये कंसेप्ट एक बार आपके दिमाग में होगा तो आप सारी चीजें लिख पाओगे। ओके, सो समझ में आ गया, ये जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, रिवर्सिबल रिएक्शन उसमें भी एंडोथर्मिक और उसमें भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों, बराबर। तो ये जो चीज है इक्वेशन वो खास याद रखना, बहुत ही काम का है, बहुत काम का, बराबर, इन द केस इन द टर्म ऑफ सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी। रेडी,
अब यही चीज, अब ये समझ में आ गया, मतलब आपको दूसरा ग्राफ भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक्सोथर्मिक के लिए अगर बात करता हूं, फॉर एक्सोथर्मिक, तो मैं क्या कह सकता हूं एक्सोथर्मिक के लिए, भाई मैंने जैसे एक ग्राफ ले लिया एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्लियर? अब समझो, अब मेरे पास इतनी एनर्जी थी ईए, माफ कीजिए ईआर, इतनी एनर्जी थी, तो मुझे कुछ बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी मैंने उसको इतनी एक्टिव एनर्जी दे दी, ये भाई मेरा रिएक्टर है ए। अब एक्सोथर्मिक के केस में प्रोडक्ट अपनी एनर्जी क्या करेगा, कम रखेगा, क्योंकि बहुत सारी लूज कर देगा, ज्यादा लूज कर देगा, मतलब कि जैसे उसने यहां पे प्रोडक्ट बनाई तो उस वक्त ईपी की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, यहां पे दिखेगा आपको, उस वक्त एचपी की वैल्यू छोटी, ये छोटा होगा तभी तो नेगेटिव आएगा, करी? सो ईपी की वैल्यू एज कंपेयर टू ईआर के ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अब आप एक बात समझो कि यहां पे इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ रही थी, एनर्जी जिसको मैंने क्या नाम दिया था, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ए टू बी, बट ये भी मेरा जैसे कि माफ कीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, और सेम अब मुझे बी से ए की ओर आना है तो मुझे कितनी एनर्जी ज्यादा कितनी देनी पड़ेगी ना, ये एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी कि नहीं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ही है ये, पर किसके लिए है, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, क्लियर ना? देखिए इसका एग्जैक्ट उल्टा ही है और कुछ नहीं है, यहां पे देखिए मुझे एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, मेरे स्टेबल कंपाउंड को एक्टिवेट बनाने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ी एज फॉरवर्ड रिएक्शन, उसको मैंने क्या नाम दिया ईएएफ। ये फिर से बता रहा हूं बच्चों, ये रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है वो है, प्रोडक्ट के पास जो बची है वो एनर्जी है, ये मुझे एक्टिवेट करने के लिए देनी पड़ी ईए वो एनर्जी है, और ये भी मुझे एक्टिवेट करने के लिए देनी पड़ी वो एनर्जी है, पर ये जो केस है उसके अंदर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करनी है, इस केस के अंदर मुझे बैकवर्ड की बात करनी है। तो समझो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक जब हमारा रिएक्शन हो रहा है तब हमें ईए की वैल्यू एज कंपेयर टू ईएएफ की वैल्यू एज कंपेयर टू ईएबी क्या रखनी, छोटी, और छोटी ही होगी क्योंकि यहां पे तो डैलेज क्या है, यहां पे तो डैलेज क्या है, नेगेटिव है, भाई नेगेटिव कब होगा, ये पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि एचपी ग्रेटर देन था, यहां पे एचपी क्या होगा, लेस देन होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ये कम होगा ना, यानी कि ईपी छोटा होगा एज कंपेयर टू ईआर, है कि नहीं? देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये ईपी देखिए इतना सा है, ईआर बड़ा सा है, ये इतना बड़ा, इतना छोटा, इतना बड़ा है, मतलब कि ईआर बड़ा है एज कंपेयर टू ईपी, अगर ईआर बड़ा है तो उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी ईपी की कंपैरिजन में वो छोटी रहेगी, मतलब कि ये जो है ईएएफ वो ईएबी की कंपैरिजन में क्या रहेगा, छोटा, सो ईएएफ इज लेस देन ईएबी, है कि नहीं समझ में आई बात? देखिए यहां पे ईएएफ बड़ा था, यहां पे ईएएफ छोटा रहेगा, उल्टा रहेगा, और इसके लिए अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है डेल एफ का इन द टर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, देन व्हाट वी कैन से, ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड, क्लियर ना, ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया जाता है, क्वेश्चन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया जाता है, और रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, और उसको लेके देखिए कितना बड़ा कंसेप्ट है जो पूछा जाता है, इसको लेके ये सारी बातें आती है, एक्सोथर्मिक के लिए हम इसका किस तरीके से यूज करते हैं, एंडोथर्मिक के लिए किस तरीके से यूज करते हैं, रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए तो नॉर्मल सी बात है, मेरे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मुझे बात करनी है, मतलब कि सीधी वैल्यू आएगी, ईपी इज ग्रेटर देन ईआर, हियर ईपी इज लेस देन ईआर, सिंपल, देखो दिख ही रहा है ईआर छोटा है, ईपी बहुत बड़ा है। मैं तीसरी बार बच्चों बता रहा हूं, ईआर वो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ईपी वो प्रोडक्ट के पास बची हुई एनर्जी है, ये एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी है वो ईए है, ये जो लूज यानी कि जो रिलीज करेगा वो एनर्जी है, बराबर? यहां मैंने 10 का और 100 का और 10 का एग्जांपल इसीलिए दिया, सेम कंसेप्ट ये है, बट इसमें मुझे एंडोथर्मिक के अंदर भी ये सारी बातें समझनी पड़ती है, मतलब कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, एक्सोथर्मिक के अंदर भी मुझे सारी बातें समझनी पड़ती है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, ओके? सो बच्चों आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने कंसेप्ट पढ़ा है, उसको रिक्वेस्ट है मेरी कि अच्छी तरीके से आप लोग लिख के प्रॉपर जो मैंने सारी बातें बोल के ओरली बताई है, क्योंकि सारी बातें मैंने ग्राफ के अंदर ही समझाई है,
क्लियर। बोर्ड पे कुछ ज्यादा वर्डिंग लिखे नहीं है, लेकिन जो भी चीज मैंने आपको बताई है उसको नोट डाउन कर दो सारी बातों को, और ग्राफ को प्रॉपरली समझ लो, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार ये चीज बैठ जाएगी वो दाल फ्राई वाला एग्जांपल याद रख लो। इन शॉर्ट चाय का एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हो, बराबर। तो जितना आप खुद से मैक्सिमम सोचना सीखोगे उतना ये सारी बातें आपके लिए ईजी हो जाएगा, और इसका कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप कर पाओगे, ठीक है। सो बच्चों अब आखिरी सेशन बाकी रहा है जिसके अंदर हमें आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है। आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा टॉपिक है उसको खत्म करेंगे, और शायद लास्ट लेक्चर में ही हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन शायद चालू हो जाए, तो आखिरी लेक्चर के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स की ओर जाएंगे। तो इसके बाद अगर आपके पास अभी अगर टाइम है तो ये देखने के बाद आगे के सारे लेक्चर्स देख लीजिए एक बार, और वो लेक्चर्स के बेसिस पे हमें क्या करना है आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं बहुत सारे, ठीक है। सो वो अगर आते होंगे तो ही आप न्यूमेरिकल्स में फोकस कर पाओगे। रेडी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।